नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के एक के बाद एक कई दौरे हुए। इन दौरों में जिस विषय पर सबसे अधिक चर्चा हुई वो थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बॉडी लैंग्वेज। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के सामने कुछ खाते हुए का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर लोगों ने तरह तरह की टिप्पणी की। ग्वालियर में अमित शाह के दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान सिंधिया के पीछे पीछे चलते हुए नजर आए। अमित शाह के एक और दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े सहमे से खड़े दिखाई दिए। लोगों ने उस पर भी कई तरह तरह की टिप्पणियां की। तो आज का हमारा सवाल है कि क्या शिवराज सिंह चौहान की जो ये बॉडी लैंग्वेज है, ये जानबूझकर इस तरह से सहमा हुआ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई में सहमे हुए हैं? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है, हम बॉडी लैंग्वेज पे बात करेंगे, एक के बाद एक जो ये भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकाला जाता है? देखिए, जो मुझे लग रहा है, पिछला चुनाव शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था जी, और उसमें भाजपा की हार हुई थी जी। उसके बाद जिस तरह सरकार बनी है, सबको मालूम है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से, और ये चीज अब लगातार झलक रही है जी। 2020 में जब सत्ता में नहीं आए थे तब शिवराज सिंह जी ने कई बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तुलना भगवान से की थी जी। और इस बार जब से मार्च 2020 में जब उन्होंने सत्ता संभाली है, तब से वो लगातार ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे वो बिल्कुल निरी, कमजोर, हाँ, सहमे से डरे हुए से लग रहे हैं, सहमे से। लेकिन अगर आप याद करें हेमंत जी, 2014 में जी, यही शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से आगे थे। तब लालकृष्ण आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए जो नाम लिए थे उसमें शिवराज सिंह का भी एक नाम था, और आपको याद होगा कि भोपाल में आडवाणी के कुछ होल्डिंग भी लगे थे जो बाद में अचानक गायब हो गए थे जी। जो शिवराज सिंह चुनावी राजनीति में नरेंद्र मोदी से आगे हैं, क्योंकि 92 में बाई इलेक्शन जीत के सांसद बने थे जी, अटल जी ने जो सीट खाली की थी जी, और मोदी जी बहुत बाद में उसमें आए हैं। तो इतना सीनियर आदमी हर दृष्टि से, वो आदमी ऐसा निरीह पेश कर अपने आप को पेश करता है, इसके पीछे कुछ वजह तो ये तो स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है कि वाकई में थोड़े बिकॉज ऑफ जो मोदी जी का स्टेचर है और जो पावर इक्वेशंस आजकल है उसकी वजह से सहमे हुए रहते हैं? नहीं, दोनों चीजें हैं जी। नरेंद्र मोदी जिस तरह डोमिनेट करते हैं, अपने आसपास किसी को नहीं आने देते, अमित शाह भी उनसे बहुत पीछे चलते, तो ऐसे में ये तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी का डर है। लेकिन दूसरा एक और खेल ये है जो यूएसपी है शिवराज सिंह जी की, कि वो विनम्र, हम्बल, दयनीय, कमजोर, लगातार अपने आप को इस तरह पेश करते हैं। पर ये जो तीन उदाहरण आपने दिए हैं, चाहे वो अमित शाह के दौरे के वक्त का वो फोटोग्राफ, हाँ जी सर, आप देखिए सब हंस रहे हैं और इनका मुंह बिल्कुल ऐसे खड़े हैं। और इसके बाद अभी जब अमित शाह ग्वालियर में थे और भोपाल में थे, तब भी शिवराज सिंह की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी वो सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। तो मोदी जी के सामने तो स्वाभाविक हो पाना कठिन ही है, क्योंकि अब आप अपने मैंडेट पर नहीं है जी। मैं साफ साफ कहूं, जैसा कांग्रेस आरोप लगा कि आप खरीदे हुए मैंडेट पे हैं, खरीदा किसने सब जानते हैं। तो ऐसे में ये जो चीज है लगातार दबाव में है, और ये जाहिर हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान नेतृत्व के आगे, भले ही उनसे सीनियर हों, अब बौने साबित हो गए, कमजोर साबित हो गए जी, और वो इसको छुपा भी नहीं पा रहे। अच्छा सर, बौने साबित हुए, एक और सवाल जो ग्वालियर में हमने देखा, जो अब नेचुरल सामने आता है, कि अमित शाह जी ने जब अपनी स्पीच में कहा कि भाई आपने कांग्रेस को, जनता से उन्होंने जब कहा कि भाई आपने कांग्रेस को जिता के देख लिया, कांग्रेस के 15 महीने में क्या क्या हुआ, अब जो अगला चुनाव होगा उसमें कांग्रेस को नहीं देखना है और नरेंद्र मोदी को देखना है, वही कहने जा रहा है जी, कि अब पिछला चुनाव शिवराज सिंह हारे, अब शिवराज सिंह चेहरा नहीं है जी, मोहरा है जी, अब ध्यान रखिए जी, चेहरा नहीं है, मोहरा है जी, और ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी की छवि पर लड़ा जाएगा जी। 12 महीने बाद जो होगा विधानसभा का चुनाव, और उसके बाद जी थोड़े दिन बाद लोकसभा का भी चुनाव होगा जी। तो लोकसभा में तो वो चेहरा है, लेकिन राज्यों में भी, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो, अब यहाँ कोई दूसरा नहीं है, अब नरेंद्र मोदी, 1 से 10 तक नरेंद्र मोदी है, बाकी सब पीछे हैं। अच्छा सर, अगर
एक से लेकर दस तक नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे, क्या मध्य प्रदेश में ये संभव है? अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इतने चार टर्म के मुख्यमंत्री हैं और आपने जैसे कहा कि इतने सीनियर आदमी है और सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनका मुख्यमंत्री रहते हुए क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा जा सकता है या कंपेरिजन लोग करेंगे चीफ मिनिस्टर? अभी देखिए ना, अभी ये देखिए जो अभी जो कुछ हो रहा है, पिछले जो जिन यात्राओं का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें उनकी इमेज लार्जर देन लाइफ, मतलब मोदी जी हों अमित शाह जी हों, ऐसे बनाए गए हैं। भाई वो भी होना ये चाहिए कि सब समकालीन हैं, सब बराबरी के हैं, लेकिन कितना गैप है। अच्छा। वो दसवें पायदान पे हैं और ये नीचे खड़े हैं। ये जो हो रहा है ये बहुत साफ है और अभी तक जो हुआ है आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति अपनाई है कि वो ऐसा दांव चलते हैं कि जो मीडिया हो या चुनावी समीक्षक हो या राजनीतिक पंडित हो नहीं समझ पाते। गुजरात में उन्होंने आखिरी समय में पहले टर्म के विधायक को सीएम बना दिया और बाकी सब हटा दिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। जी। और नरेंद्र मोदी, अब भाजपा जो है वो मोदी की जेब में है, मोदी के कहने पर चल रही है, मोदी की दाएं बाएं है भाजपा में, और कोई नेता नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो चाहे सो करेंगे और ये तय है कि चुनाव पूरे देश में जहां भी लड़े जाएंगे वहां चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे। सर अगर ऐसा है तो फिर क्या शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी सुरक्षित है चुनाव तक? ये नरेंद्र मोदी के मूड पर है। जी। अगर उनका मूड बदला तो किसी भी दिन कोई भी नया चेहरा ऐसा जिसको हम और आप उम्मीद नहीं कर सकते वो सीएम बन के खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ कंट्रोल है वो तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के हाथ में है, करना सब उनके है। हर चीज आप देखिए, आंतरिक खबरें जो है, टोटल कंट्रोल वो तो दिल्ली में है। जी। तो ऐसे में जब वही सब होना है तो उन्हीं के नाम पर होना है, चेहरा कोई भी आ सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है और खुद को एक विक्टिम के तौर पर भी पेश करने की वो अक्सर कोशिश करते हैं, सहमे हुए रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि सर ने बताया, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऑल पावरफुल लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और शिवराज सिंह चौहान उनके सामने फिलहाल बौने दिखाई दे रहे हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।